एकदम स्वस्थ हैं जरीना वहाब। बेटे सूरज पंचोली ने मां से जुड़ी इस खबर को झूठ बताया। युवा अभिनेता सूरज पंचोली ने अपनी मां अभिनेत्री जरीना वहाब और अपने पिता अभिनेता आदित्य पंचोली के कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की खबर को झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी मां एकदम ठीक हैं और इस समय अपने घर पर आराम कर रही हैं। वहीं उनके पिता भी इस वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं। इस महीने की शुरुआत में ही जरीना वहाब को लेकर खबर आई थी कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं और उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि वे अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर आ गई थी। फिर बीते बृहस्पतिवार को खबरों में आया कि उनकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है और उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इस दौरान सूरज के पिता आदित्य पंचोली और उनके कुछ स्टाफ के सदस्यों को भी कोरोना से पीड़ित होने की बात कही गई। इन खबरों को झूठा बताते हुए सूरज ने कहा कि उनकी मां एकदम ठीक हैं और वे घर पर हैं। उनके पिता भी इस वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं। सूरज ने बताया कि करीब 10 दिन पहले उनकी मां अपने परिवार से मिलने के लिए हैदराबाद गई थी और इसी दौरान उन्हें इस संक्रमण में घेरा था। इसके बाद उनके पिता आदित्य उन्हें अस्पताल लेकर गए और वहां जब उनकी जांच हुई तो उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। सूरज ने बताया कि उनकी मां को कोरोना के ज्यादा लक्षण नहीं थे। कोरोना वायरस की रिपोर्ट आने के 5 दिन बाद ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और घर पर उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। सूरज के बयान में खुद जरीना ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा कि अब वे एकदम ठीक हैं और अपने घर पर हैं। और 24 सितंबर को उनके क्वारंटीन रहने की अवधि भी खत्म हो गई है। फिर भी वे घर पर रहकर पूरी सावधानियां बरत रही हैं।